दोस्तों आईपीएल 2022 की दो नई टीमें हमको मिल चुकी है। बीसीसीआई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कौन से वो दो ओनर है जो आईपीएल 2022 की दो नई टीमें खरीदी है, जहां अहमदाबाद और लखनऊ ये दो नई टीमें रहने वाली। लेकिन इसके नाम क्या रहने वाले हैं और कौन कौन से ग्रुप ये दोनों टीमों के खरीदे हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं आईपीएल 2022 की नीलामी जो दो नई टीमों की थी वो सुबह से नहीं बल्कि दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हो रही थी। टोटल 21 कंपनियां इसमें हिस्सा ली थी, लेकिन बिड जो टीम ने जीता एक सीबीसी ग्रुप ने जीता, तो वही आरपीएसजी ग्रुप ने दूसरी बिड जीत लिया। आपको बता दूं पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही थी कि अडानी ग्रुप ने अहमदाबाद को खरीदा, तो वही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लखनऊ टीम को खरीदा। लेकिन पूरी तरह से 5:30 बजे के बाद एक क्लियर हो गया कौन से वो दो ओनर के मालिक बन चुके। तो आपको बता दूं जो अहमदाबाद के मालिक है वो सीवीसी ग्रुप है, सीवीसी ग्रुप अहमदाबाद के मालिक है। अब देखना होगा अहमदाबाद लायन के नाम से टीम जानी जाती या फिर कोई नया नाम ढूंढकर टीम का नाम रखा जाने वाला है। वही उस टीम का होम ग्राउंड जो रहने वाला है अहमदाबाद में ही रहेगा, और आपको बता दूं मोदी स्टेडियम उसका होम ग्राउंड रहने वाला है। आप जैसे कि कुछ लोगों इस तरह हो सकता है, वह इस टीम के मालिक सीवीसी ग्रुप जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। वहीं अगर हम दूसरी टीम की बात करें तो दूसरी टीम जो है वो आरपीएसजी ग्रुप ने काफ़ी महंगे पैसे देकर इस टीम को खरीदा है। लखनऊ, लखनऊ के नाम से ये टीम जाने जाने वाले। अब देखना ही होगा क्या नाम रखती है आरपीएसजी ग्रुप, या लखनऊ नवाब के नाम से जानी जाती है, या फिर यूपी से रिलेटेड कोई नाम रखने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है क्या नाम रखेगी वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वही दोस्तों आपको बता दूं अहमदाबाद की टीम जो बोली लगी थी उस पर 5,200 करोड़ में उस टीम सीवीसी ने खरीदा, तो वही लखनऊ पे कुछ ज्यादा ही बिड लगे, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा उस टीम पर बिड लगी, 7,190 करोड़ बोली लगी, और उस बोली में आरपीएसजी ग्रुप ने टीम को खरीद लिया। तो अब फाइनली आईपीएल 2022 में यूपी की टीम भी नजर आने वाली है, लेकिन अहमदाबाद का जो स्टेट है वो गुजरात है। गुजरात की पहले भी 2 साल टीम खेल चुकी है, लेकिन यूपी की कोई भी टीम अब तक नहीं खेली थी। और फाइनली आईपीएल 2022 में हमको 8 जगह 10 टीमें खेलते हुए नजर आने वाली है। तो आप कितना एक्साइटेड आईपीएल 2022 के लिए, और आप को क्या लगता है आईपीएल 2022 में कौन सी टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी, आप हमें कमेंट करके